भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज बेटी जंतर मंतर व धरना प्रदर्शन के लिए अपनी मांग को लेकर खड़ी है, तो आपका क्या कहना है? हम तो यही कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जो कहती वो करती नहीं है, वो बेटी को बचाने का काम नहीं करती, बेटी को डुबाने का काम करती है। कहा जाए तो सच्चे मायने में बनियों की सरदार है, जादूगर है, जो बोलता है वो करता ही नहीं, बिल्कुल उसके विपरीत करता है। जादूगर कौन है, किसको आप जादूगर कह रहे हैं? जो बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी सरकार है, मोदी एकदम जादूगर है, जो कहता है वो बिल्कुल करता नहीं, उसके विपरीत करता है। हम लोग को छला गया है, हम लोग को एकदम छला गया। और कहते हैं 70% हम लोग को जो समायोजन जो कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उसको, उसने नहीं किया है, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके हमारे समायोजन को रद्द किया है, क्योंकि इन लोगों को हमारे ऊपर सपा की मुहर, सपा गवर्नमेंट अखिलेश यादव की मुहर दिखाई देती है और ये राजनीतिक लड़ाई मुद्दा बना करके हम लोग का समायोजन रद्द कर दिया है। आप ही बताइए कि अगर हम 10,000 में योग्य हैं तो 40,000 में अयोग्य हैं तो 10,000 में अयोग्य नहीं होंगे। ये बात करता कि टीईटी पास करो, हम टीईटी पास करने के लिए तैयार हैं, आप हमको हमारे कार्य सेवा में लगे रहने दो, हम आपको टीईटी पास करके दिखा देंगे। और जो हमारे भाई बंधु 25,000 टेट पास हैं उसके लिए कोर्ट ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, कम से कम उन्हीं को उस पद पे रखे होते, बाकी जो नहीं पास है उनको पास करने का धीरे धीरे 5 साल 4 साल का 2 साल का समय दिए होते। हम दावे के साथ कहते कि हमारा सारे भाई बहन टीईटी पास करके दिखा देते। आज हम इस अपने मंच से ऐलान करते कि अगर मोदी आ जाए टेट की परीक्षा में बैठे, मैं भी टेट की परीक्षा में बैठती हूँ, और दोनों में से कौन क्वालिफाई करता है अपने मंत्री पद को, प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर हम अपनी मांगों को छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। आपका नाम? ममता राय। ममता राय ने सीधी खुली चेतावनी दी है माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपनी योग्यता रखते हैं तो ममता जी के सामने टेट के एग्जाम में बैठे, यदि वो टेट एग्जाम पास करते हैं तो वो अपनी आज से ही शिक्षा को छोड़ने के लिए बात करिए। मैं भी गोरखपुर जनपद से बिलोंग करती हूँ और 2 बार टेट की परीक्षा पास कर चुकी हूँ, और मैं आज एक दिन भी कोई भी किताब उठाते कि कोई भी कोचिंग नहीं की हूँ, और मैं जो टेट का एग्जाम क्वालिफाई करवाने वाला है ना, मैं एक दिन भी ना पढ़ करके उसके टेट एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाती हूँ, और उसको समय देती हूँ कि 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ के आओ, उनके अच्छे अंकों से पास करके दिखाऊंगी।